हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके, जो कि आपको इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तो आप सभी में से जो कोई भी रेलवे ALP की वैकेंसी की वेट कर रहे थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, ALP मीन्स असिस्टेंट लोको पायलट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डिस्क्राइब करूं, तो आपको जो ड्राइवर रेलवे में होता है और टेक्नीशियन की पोस्ट, उसके लिए बहुत जल्द ही वैकेंसी आउट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के बीच, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी और फॉर्म कब तक आएगी। आपको फ्रेंड्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ समझाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब ने भी न्यूज में सुना होगा कि अभी विश्व का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना हमारे भारत में उड़ीसा के बालासोर में घटित हुआ था। तो इसका जो मेन रीज़न निकल के ये सामने आया है कि रेलवे में जो है स्टाफ की कमी हो गई है, जिसके वजह से इतना बड़ा इरिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा हमारे सामने ये दुर्घटना निकल के आया। तो इसके वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और उसमें से एक नोटिफिकेशन ये भी सामने आया है कि बहुत जल्द ही हमारे बीच रेलवे ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो आ जाएगी, उसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही आउट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो इसके लिए आने वाला है, आपका 45,000 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ रही है, जिसमें आपको 15% जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा आर्मी अग्निवीर्स के लिए। मतलब जो भी कैंडिडेट, जो आर्मी पर्सन 4 ईयर्स सर्व करके आएंगे आर्मी में अग्निवीर के पोस्ट से, उनको यहाँ पे 15% सीट्स उनके लिए रिजर्व रहने वाला है। फॉर्म की फ़ी की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल और OBC से यहाँ पे 500 रुपीज़ लिया जाता है, वही SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑल कैटेगरी फीमेल से 250 रुपीज़ यहाँ पे फॉर्म की चार्ज ली जाती है। एज लिमिट फ्रेंड्स, आपका जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स रहता है, वही आपको OBC के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 31 ईयर्स रहता है। SC ST वालों के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स रहता है। मतलब कि यहाँ पे OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और SC ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एज जो है वो एज ऑन किस डेट से काउंट होगा। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स, मैं उसको आपको बता दूंगी न्यू वीडियो बना के, उसमें आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन में भी लिख के आएगा कि आपका एज जो है एज ऑन इतना इतना डेट से काउंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता देती हूँ कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको ALP के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए। तो 12th तो हर कोई अभी पास आउट रहता है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ है कि 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका होना चाहिए, तभी आप इस टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। अभी आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आपको अक्टूबर 2023 से लेके आपको नवंबर के बीच में आ जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अप्रैल 2024 में होने वाला है इलेक्शन, उसके पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, तो फिर कोई जैसे होता है ना कि सरकार के द्वारा नया काम नहीं कराया जाता है, तो उससे पहले पहले ही आपका रिक्रूटमेंट ले लिया जाएगा। और अभी से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो आप ये मत बोलना कि आप कहाँ से वैकेंसी लेके आ रहे हो, ये वो, जैसे कि आया न्यूज आया तो आपको मैंने बता
बता दिया ताकि आप अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से कर पाओ। तो आप जो ये सब सोचने में टाइम वेस्ट करोगे, अगर आप पढ़ने में अभी से लग जाओगे मेरी वीडियो को देख के, तो आप एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लोगे, तो आपके लिए तो और भी बड़ी खुशखबरी रहेगी। सो चलिए मैं आपको अब बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन यहाँ पे 3 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल है। CBT 1 ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। फ्रेंड्स, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। फिर आपका CBT 2, ये भी आपका ऑनलाइन ही होता है टेस्ट, इसमें आपको अच्छा नंबर लाना होता है। देन जो ALP के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनका CBAT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि साइको टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ALP वालों को ये भी टेस्ट देना होता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आपके पास ITI भी है और आपने 12th पास आउट कर रखा है, PCM भी है, तो आप अगर चाहते हो ना तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होने वाली। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि CBT 1 की एग्ज़ाम पैटर्न जो है 75 क्वेश्चंस रहते हैं, 60 मिनट्स का पेपर होता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 1/3 का आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस का पेपर होता है। रीजनिंग का आपका 25 क्वेश्चंस होता है, मैथ से 20 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बस आपका क्वालिफाई होता है, अगर आपने जस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप जो है CBT 2 देने के लिए एलिजिबल रहोगे। आपका CBT 2 एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो आपका 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए पहले पार्ट ए को हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होता है, और आपका 90 मिनट का पेपर होता है। इसमें फ्रेंड्स आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और उसमें थोड़ा इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकता है, जनरल अवेयरनेस का आपका रहता है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस मैथ के, 25 रीजनिंग के, 40 क्वेश्चंस आपका रहता है साइंस से, और 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से रहता है। देन फ्रेंड्स आपका पार्ट बी होता है, इसमें आपको रेलेवेंट ट्रेड से, आपने ITI में जो भी ट्रेड ले रखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, 75 क्वेश्चंस का होता है, और 75 मार्क्स मिलते हैं, और 60 मिनट का होता है। ये आपका ओनली पासिंग होता है। इसमें आपको ALP वालों को मिनिमम आपको 42 मार्क्स लाना होता है पास करने के लिए, टेक्नीशियन वालों को 26-25 मार्क्स लाना होता है। आपका CBT 2 फ्रेंड्स आपका टोटल 175 क्वेश्चंस हो गया, 175 मार्क्स का, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का आपका ये टोटल पेपर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला करके। यहाँ पे भी आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है, तो थोड़ा संभल के अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप एग्ज़ाम को एक बार में अटेम्प्ट करके और जॉब को अचीव कर लीजिए। फिर फ्रेंड्स आपका ALP वालों के लिए वही CBAT टेस्ट यानी साइको टेस्ट होता है, तो उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होता है, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। और यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट जो बनता है उसमें आपका CBT 2 का 70% मार्क्स और CBAT टेस्ट यानी साइको टेस्ट का 30% मार्क्स बनता है। तो अगर आप इतना कट ऑफ पार कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सैलरी मिलता है। तो चलिए मैं आपको अब डिस्क्राइब कर देती हूँ इनहैंड सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस जॉब को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको फर्स्ट मंथ के ही ज्वाइनिंग में इन हैंड सैलरी आपको 49,276 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, बहुत सारे बोनस और बहुत सारी जो आपको होती है ना अलाउंसेस दी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो सैलरी इंक्रीज होकर 1,39,932 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपकी पर मंथ की हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और ये रेलवे की तरफ से आपका वैकेंसी है फ्रेंड्स, तो आप जिस भी जोन के लिए अप्लाई करोगे आपको वहाँ पे सर्विस करने का मौका मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताए हो
रेलवे रिक्रूटमेंट ALP के रिगार्डिंग आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर इसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी क्वेरीज को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो जल्द ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं फिर से न्यू वीडियो लेकर आऊँगी, अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। और अगर आप लोग चाहते हो कि मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाओ आप लोग, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलती हूँ आपसे फिर से न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।